हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कटोरी पालक, और लिया है मैंने 1 कटोरी दाल, आधी कटोरी काले उड़द की दाल है, और 3 हरी मिर्च, और 1 अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने क्यूब में कट करके रख दिया है। कुकर में पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। अब उसमें डालेंगे ये दाल। मैंने दाल डाल दिया था, उसमें से जो झाग निकले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे एक स्वाद के अनुसार नमक, और उसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने अभी पेस्ट बना करके रख लिया था। साथ ही उसमें डाल देंगे पालक। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि ये हरे हरे अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक डाल रही हूँ। अब इसे पैक करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा करके मैंने पैक कर दिया है। अब इसे 1 विसिल आने तक इंतजार करेंगे। दाल भी सीटी लग गई है, कुकर भी सीटी लग गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर की सीटी अब खत्म हो गई है, आप देख रहे होंगे। अब इसका ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन मैंने खोल दिया है, आप देख रहे होंगे। एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। ये देखिए, ये पक गई है। अब इसे मथनी से मथ देंगे। दाल को मैंने मथ दिया है, आप देख रहे होंगे। अब इसे बाउल में निकालेंगे। दाल पालक तैयार है। अब इसे हींग जीरे लहसुन और मिर्ची से तड़का दें। अब ये सब के लिए तैयार है। आप इसे दाल से अब इस दाल को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी तरह से आप खा सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।